जानते ही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा रिलीज हुई थी और सुशांत की इस फिल्म को उनके फैंस ने भरपूर प्यार भी दिया और ये फिल्म काफी ज्यादा सक्सेस भी हुई। लेकिन ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं उन बॉलीवुड के तमाम स्टार्स को लेकर जिनका निधन तो पहले हो गया लेकिन उनके निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म रिलीज की गई और उनकी आखिरी फिल्म इतनी ज्यादा सक्सेस हुई जहां पर उन्हें काफी ज्यादा उनके फैंस ने भरपूर प्यार दिया। कौन कौन है वो तमाम सेलिब्रिटीज, देखिए ये रिपोर्ट। श्रीदेवी से लेकर वो बॉलीवुड स्टार जिनकी फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उन सेलिब्रिटीज का निधन हो गया जिसमें लिस्ट में नाम सबसे पहले शुमार श्रीदेवी के साथ सुशांत सिंह राजपूत का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। दरअसल 14 साल के लंबे इंतजार के बाद लेट एक्टर इरफान खान की फिल्म तीसरी मंजिल 302 अब 31 दिसंबर 2021 की शाम को रिलीज होगी। ये फिल्म एक्टर के निधन के बाद रिलीज होने वाली आखिरी फिल्म कहलाई जाएगी। आज हम आपको कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटीज के बारे में बताने वाले हैं जिनकी आखिरी फिल्म उनके निधन के बाद रिलीज हुई। सबसे पहला नाम सुशांत सिंह राजपूत का। दरअसल 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया था और ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा उनके निधन के एक महीने बाद रिलीज हुई थी। 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का निधन हो गया था और उन्हें आखिरी बार शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा की फिल्म जीरो में एक कैमियो रोल में देखा गया था। एक्ट्रेस की आखिरी फिल्म उनके निधन के 10 महीने बाद रिलीज हुई थी। बॉलीवुड एक्टर ओम पुरी। जी हाँ, एक्टर ओम पुरी का निधन भी 6 जनवरी साल 2017 को हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। निधन के एक महीने पहले ही ओम पुरी ने अपनी आखिरी फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग पूरी कर ली थी। सलमान खान एक्टर की इस फिल्म को 25 जून 2017 को ईद के मौके पर रिलीज किया गया था। राजेश खन्ना। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने बड़े पर्दे पर अपना जादू आखिरी बार फिल्म रियासत के रूप में बिखेरा था। कैंसर की वजह से 18 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया था और 2 साल के बाद पुण्यतिथि पर उनकी फिल्म रियासत को थिएटर्स में रिलीज किया गया था। तो ये है वो स्टार जिनके निधन के बाद उनकी फिल्मों को किया गया था रिलीज। नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, यहाँ पर सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस श्रीदेवी और कई बड़े स्टार्स का नाम भी सामने आया जिनके निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म रिलीज हुई थी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक लिए गुड बाय।